दोस्तों थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर नजर डालेंगे कि कैसे एक आदिवासी समाज की महिला ने राष्ट्रपति के पद को हासिल किया, जहां तक पहुंचने में अच्छे अच्छे पॉलिटिक्स के धुरंधर भी मात खा जाते हैं। आइए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू का सफर, शुरू से राष्ट्रपति बनने तक का सफर इन टूडेज वीडियो। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर में एक आदिवासी संथल परिवार से बिलोंग करती है। इनका जन्म 20 जून 1958 में हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ है जब गणतंत्र भारत में जन्म लिया हुआ नागरिक भारत का राष्ट्रपति बना है। द्रौपदी ने आर्ट स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी की। संथल परिवार से होने के कारण इनकी शादी भी जल्द ही कर दी गई थी। राजनीति में आने से पहले इन्होंने 1979 टू 1983 राज्य सिंचाई विभाग और बिजली विभाग में भी काम किया था। उसके बाद अपने क्षेत्र के ही किसी एजुकेशन सेंटर में छात्रों को पढ़ा चुके हैं, जिसमें हिंदी, ओडिया, मैथ्स और जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी दलित समाज से है, लेकिन इनका परिवार शुरू से ही पॉलिटिक्स में रहा है। इनके पिता और दादा रायरंगपुर के बेदापोसी में ग्राम परिषद के मुखिया रह चुके हैं, लेकिन मुर्मू ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत पार्षद के पद से की। 1997 में इन्होंने बीजेपी पार्टी की तरफ से नगर पंचायत पार्षद का पद जीतकर पॉलिटिक्स में कदम रखा। ऐसे ही मेहनत करते करते मुर्मू अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ते रहे और सन 2000 में उड़ीसा के विधानसभा का इलेक्शन भी जीता। इसी सीट पर दो बार जीतकर द्रौपदी मुर्मू 2009 तक इस सीट पर टिके रहे, लेकिन 2009 का विधानसभा चुनाव ये हार गई। इसी हार के साथ मुर्मू के जीवन में दुख और कठिनाइयां आने लगी। चुनाव हारने के बाद ये अपने गांव लौट आए और इसी साल इन्होंने अपने बड़े बेटे को खो दिया, जिससे नौबत ये आने लगी कि मुर्मू डिप्रेशन में चले गई। इसी हादसे के 3 साल बाद अपने छोटे बेटे को और 2014 में अपने पति को भी खो दिया। इतना सब जीवन में देखने के बाद मुर्मू दुख और डिप्रेशन से गिर गए थे, लेकिन हिम्मत करके ये समाज सेवा के कामों में जुट गई। प्रेजेंट टाइम में अब इनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। इतने दुखों के बाद इनका जीवन फिर से मोड़ लेता है और ये फिर से 2015 से 2021 तक झारखंड की नवी राज्यपाल बनकर राजनीति में वापस आती हैं। शुरू से ही ये बीजेपी पार्टी से जुड़ी रहने के कारण एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के थ्रू बीजेपी ने इनको प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेट किया और आज द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के पद पर हैं। द्रौपदी मुर्मू इंडिया की दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। अब आगे देखने वाली बात ये रहती है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी क्षेत्र से होने के कारण आदिवासी या दलित समाज के लिए क्या क्या करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को या कोई नॉलेज मिला हो तो लाइक करके जाना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।